तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये इसकी डेफिनेशन है कि द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन कोएग्जिस्ट इन द F1 जनरेशन एंड सेग्रीगेट इन द गैमेट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट है। हम इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे कि आया ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है द कंट्रास्टिंग पेयर, सबसे पहले हम कंट्रास्टिंग पेयर ले लेंगे, एक कैपिटल टी और इसका जो कंट्रास्ट होगा वो स्मॉल टी। ये दो पेयर हमने ले लिए। इसके बाद ये कहते हैं कि को एग्जिस्ट इन द F1 जनरेशन। ये कंट्रास्टिंग पेयर जो है ये को एग्जिस्ट करेंगे यानी एक साथ होंगे F1 जनरेशन में। तो इसका जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी होगा और इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी। अब इन दोनों को जब क्रॉस किया मेंडल ने तो इससे हमारे पास आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन है। F1 मीन फर्स्ट फेलियर जनरेशन। तो यहां तक तो बात ठीक हो गई। ये को एग्जिस्ट, ये दोनों एक साथ, यहां पर अलग अलग थे और यहां पर एक साथ आ गए, तो को एग्जिस्ट इन द F1 जनरेशन। यहां तक तो बात ठीक हो गई। अब आगे कहते कैन सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मीन जुदा होना, सेपरेट होना, अलग होना। एंड सेग्रीगेट इन द गैमेट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में ये दोनों आपस में जुदा होंगे। तो इसका फर्दर क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन का, तो ये इस तरह होगा TT और TT। इसके अब गैमेट बनेंगे, तो इसके दो टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है और यहाँ पर सेम थे, इसलिए सिर्फ एक टाइप ऑफ गैमेट बना। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है तो दो टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी दो टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सबसे पहले ये वाला टी इसके साथ क्रॉस होगा, तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल टी। फिर ये वाला टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप लोग इस क्रॉस पर नहीं समझे तो फिर मैं वहां पर वो चेकर बोर्ड भी बना लेता हूँ। और ये इस तरह कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर ये लास्ट वन स्मॉल टी। ये हमारे पास क्रॉस हो गया, ये F1 जनरेशन फर्दर एंड सेग्रीगेट इन द गैमेट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ गया। नेक्स्ट जनरेशन में ये हमारे पास सेग्रीगेट हो गए। यहाँ पर देखिए ये इकट्ठे थे टी और यहाँ पर ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये और ये। ये वाला है और ये कैपिटल टी ये वाला है। ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए। यहाँ पर F1 जनरेशन में coexist in the F1 generation and separate या segregate in the gamete of next generation. Next generation में ये एक दूसरे से separate हो गए। तो ये law of segregation का main statement था। यहाँ पर आप लोग checkerboard पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम इस TF1 generation को cross करते हैं और यहाँ पर भी F1 generation। यहां पर देखिए ये कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसका लिखेंगे और एक ऊपर वाले का, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल टी। ये और ये सेम है। यहां पर भी कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में स्मॉल टी। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का चक्करबोर्ड है। यहाँ पर हम दो टाइप्स ऑफ रेशो निकालेंगे, एक को हम कहते हैं गैमेटोफिटिक रेशो और दूसरे को हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो उसको कहते हैं जो हम फिजिकली हम देख सकते हैं, फिनोटिपिक मीन फिजिकली जो हम देख सकते हैं, और गैमेटोफिटिक जो कि अगर उसके गैमेट के अंदर वो जीन्स मौजूद हो। यहाँ पर सबसे पहले हम फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे। फिनोटिपिक यहाँ पर फिजिकली आप लोग देखिए ये टी, ये तो हमारे पास टाल प्लांट है, टी ये टाल है। नेक्स्ट हमारे पास है टी, ये भी हमारे पास टाल है। क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी पर डोमिनेंट है, तो करेक्टर इसी का शो होगा जो डोमिनेंट है। तो कैपिटल टी हमारे पास टाल है, इसलिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट है, तो ये हमारे पास टाल होगा। और दूसरा भी
इस तरह है टी टी, ये भी हमारे पास टाल है, और लास्ट में है स्मॉल टी और स्मॉल डी, तो ये हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है। तो यहाँ पर हमारे पास इस चेकरबोर्ड में जो रेशो है वो 3:1 है, क्योंकि हमारे पास टाल प्लांट 3 है और ड्वार्फ प्लांट सिर्फ 1 है, तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो होगा वो होगा 3:1। ये हमारे पास फिनोटिपिक, यानी फिजिकली हम प्लांट को देखे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक प्लांट है और ये हमें टाल लग रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये टाल प्लांट है, लेकिन हमें तो अंदर से पता नहीं कि इसमें कि ये वाला टाल है या ये वाला टाल है, ये दोनों टाल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हमें कोई पता नहीं कि ये वाला टाल है या ये वाला टाल है, तो हम फिजिकली देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टाल प्लांट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों टाल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। जब ड्वार्फ प्लांट होगा मतलब ये ड्वार्फ प्लांट है, तो इसमें सिर्फ ये वाला होगा, तो हम फिजिकली इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास गेमेटोफिटिक रेशो है, गेमेटोफिटिक में हम फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखते, उसके अंदर जो गेमेट्स के अंदर जो जीन्स मौजूद हो हम उसको देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखें, ये टी टी मेरा टाल के लिए लिखा, ठीक है, ये टी टी ये भी टाल के लिए है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टाल के लिए है, और ये स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए है, लेकिन इन दोनों को देखें ये इससे डिफरेंट है, इसमें दोनों स्मॉल कैपिटल टी है और इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसके गेमेट इससे मुख्तलिफ है, क्यों, इसमें दोनों कैपिटल टी है और इसमें एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, और इसमें भी एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी और ये दोनों स्मॉल टी, तो यहाँ पर रेशो जब बनेगा गेमेटोफिटिक में तो 1:2 प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में है और सिर्फ एक प्लांट जो है वो स्मॉल टी फॉर्म में है, तो इस गेमेटोफिटिक रेशो में हमारे पास जो इसका रेशो होगा वो 1:2:1 होगा। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। इसके बाद और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद है आप लोग इस पर समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।